आखिर कैसे गूगल अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, आखिर कैसे यूट्यूब चैनल्स हैक हो जाते हैं, आखिर कैसे फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सभी अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, क्या इंटरनेट में ऐसा कौन सी दुनिया है जहां से ये हैकर्स ये सब काम करते हैं और अलग अलग चैनल को हैक वैक कर लेते हैं, कैसे ये चीज काम होता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसी के बारे में, जो कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है काला जाल यानी कि डार्क वेब। हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल्टरनेट व्हील, स्वागत है आप सभी के ब्रांड न्यू एगोमीटर के एपिसोड में, जहां पे दोस्तों आज हम बात करेंगे डार्क वेब के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। तो देखिए दोस्तों, इंटरनेट एक्चुअली तीन पार्ट में डिवाइडेड रहता है, तीन हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला सरफेस वेब, दूसरा है डीप वेब एंड थर्ड वन इज द डार्क वेब। तो देखिए सरफेस वेब जो है उसमें ऐसे ही जो नॉर्मल ब्राउजिंग जिसको हम करते हैं, जो कि हम लोग ऐसे ये क्या बोलते हैं, जो कुछ भी हम लोग सर्च कर रहे हैं, चाहे गूगल मैप में हो जाए कि ये जगह कहाँ पे है, चले गए गूगल मैप सोचो कि नई दिल्ली में कौन सा बड़ा जगह है, ये सर्च किया आपने तो वो आपको मिल गया। इज द नॉर्मल सर्चिंग और नॉर्मल सर्च जो आप मैं हम लोग जो सब करते हैं वो है आपका सरफेस वेब, जो कि सरफेस में रहता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है डीप वेब। डीप वेब में होता यह है कि आपको किसी चीज का एक्सेस करने के लिए आपको उसमें लॉगिन करने का या फिर ऑथेंटिकेशन चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक में आपको आपके अकाउंट को एक्सेस करने के लिए आपको उसमें लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड आपको देना पड़ता है। तो जिस चीज में आपको एक स्पेशल ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है वो एक्चुअली होता है डीप वेब, चाहे उसमें आपका बैंक ट्रांजेक्शन हो जाए या फिर ऑनलाइन आपके अकाउंट्स को एक्सेस करना हो जाए, ड्राइव्स हो जाए, गूगल अकाउंट्स हो जाए, सभी आ जाता है डीप वेब में, जहाँ पे आपको एक स्पेशल ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है जिससे कि आप अपने चीजों को एक्सेस कर सके। जैसे कि गूगल ड्राइव में आपको अपना यूजर आईडी यानी कि जीमेल और पासवर्ड देना पड़ेगा तब आप अपने ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं। सेम यही चीज जितने भी ट्रांजेक्शन वगैरह बड़े बड़े कंपनीज के रिसर्च वर्क प्रोजेक्ट्स वगैरह सभी इस डीप वेब में सेव होता है, डीप वेब में आपको मिलता है। एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज द डार्क वेब। तो डार्क वेब में एक्चुअली क्या होता है, देखिए डार्क वेब को अगर आप सिंपल भाषा में बोले तो फिर ये बोला जा सकता है इंटरनेट की दुनिया का चोर बाजार या फिर काला बाजार, बोल सकते हैं, जहां से लोग मतलब कुछ भी चीजों का लेन देन होता है। जैसे कि हैकर्स लोग जो हैक करते हैं, जो हैकिंग करते हैं ना, तो उसमें आपका मान लीजिए किसी का अकाउंट हैक कर लिया या फिर किसी का अकाउंट चुरा लिया, तो वो अकाउंट को वो लोग सब डार्क वेब पे बेचते हैं कि इस अकाउंट में इतने पैसे हैं तो इसको बेचेंगे तो इतने पैसे में आप अकाउंट खरीद सकते हैं, या फिर जो भी ये चीज होता रहता है वो सब डार्क वेब में होता रहता है। सब हैकिंग, सब इलीगल काम जो है वो आपके डार्क वेब में होता है। और डार्क वेब में एक्चुअली होता यह है कि आप ऐसे नॉर्मल जो ब्राउजर होते हैं ना, जैसे क्रोम ब्राउजर या फिर मोज़िला फायरफॉक्स जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, क्रोम देन क्या बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज, इन सब ब्राउजर की मदद से आप डार्क वेब तक नहीं पहुंच सकते। ये चीज काम करता है कुछ एक स्पेशल ब्राउजर की मदद से, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका हो गया द और अनियन ब्राउजर या फिर जो टॉर ब्राउजर जो होता है ना, उनके साथ ये होता है। टॉर ब्राउजर में अगर आप ब्राउज करना चाहोगे तो फिर होता है, क्योंकि ना ये जो डार्क वेब में जो भी वेबसाइट्स काम करते हैं ना, जो भी वेबसाइट्स आपके डार्क वेब में मिलते हैं वो सभी एंड होते हैं डॉट अनियन से। फॉर एग्जाम्पल आपका जो हम लोग फॉर एग्जाम्पल अगर हम सर्च करेंगे गूगल में कि फेसबुक, तो facebook.com लगते हैं, वैसे ही अगर आप कोई डार्क वेबसाइट सर्च कर रहे हो, वेबसाइट डार्क वेब में डार्क वेबसाइट सर्च करो तो उनके लास्ट में xyz.onion लगता है। इसीलिए ऑनियन वाले को जो जो ब्राउजर सर्व करता है तो उसे हम द अनियन राउटर के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है टॉर ब्राउजर। वो ब्राउजर हेल्प करता है आपको उस डार्क वेब तक डार्क वेब का एक्सेस देने के लिए, टॉर ब्राउजर आपको मदद करता है। लेकिन हाँ, ये चीज डार्क वेब में काम करना है, डार्क वेब में कुछ खरीदना बेचना ये इलीगल है, लेकिन हाँ टॉर ब्राउजर का यूज करना दिस इज नॉट इलीगल। इसको आप ऐसे नॉर्मल ब्राउजर भी यूज कर सकते हैं, टॉर ब्राउजर वो भी सेफ रहता है। एक्चुअली डार्क वेब में होता है कि आप भी एनोनिमस रहते हो और जिससे आप कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, फिर जिससे आप कुछ खरीद रहे हो या बेच रहे हो वो भी एनोनिमस रहता है, विदाउट एनी आइडेंटिटी आप एक दूसरे के लेन देन आप कर रहे हो। जैसे कि गूगल क्रोम वगैरह में आपको पता चलता है कि हाँ ये इसका आईपी एड्रेस ये वगैरह वगैरह जो भी है आप जान सकते हो कि हाँ वो किसे हम आप एक्सचेंज कर रहे हो। अमेजोन में अगर आप कुछ खरीदे तो आप जान सकते हो हाँ अमेजोन वाले से मैंने लेन देन किया, लेकिन आपको टॉर ब्राउजर में डार्क वेब में आपको पता ही नहीं चलता कि यार मैं किससे क्या ले रहा हूँ। तो मैं बोलूंगा कि हाँ इस चीज से थोड़ा सा बच के रहिए, डार्क वेब में आपको ऐसे में रैंडमली ऐसे कुछ मिलेगा तो है नहीं, मतलब कि आपको जैसे जैसे आप इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं तो वैसे ही आप टॉर में आप कुछ सर्फ नहीं करोगे या फिर डार्क वेब में कुछ आप सर्फ करने नहीं वाले, मेरे को पता है। लेकिन फिर भी अगर आपके बच्चे ये सब चीज कहीं से सुन रहे हैं डार्क वेब के बारे में, डार्क वेब के बारे में बातचीत कर रहे हैं कोई छोटा मोटा बच्चा, तो फिर उनको इन सब चीज से दूर रखिए, डार्क वेब में थोड़ा सा इलीगल काम वगैरह होते रहते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आएगा एक्चुअली में इंटरनेट की दुनिया में डार्क वेब क्या काम करते हैं, फिर डार्क वेब क्या चीज होता है आपको समझ आया होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो
काम का लगे, अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें, सेफ ड्राइव करें और देखते जरूर रहें। ऑल डायरेक्ट मींस जय हिंद।